अल्लाह ने मेरे नबी को कैसा बनाया एक बद्दू औरत है अनपढ़ औरत है उमदल वो मेरे नबी का हुलिया बताती है आपको तर्जमा करके सुनाऊंगा, लेकिन आप अल्फाज का रिदम और अल्फाज में म्यूज़िक वो आप सब महसूस करेंगे वो बद्दू औरत कहती है तोाहिर अब हसन अल्कला ولم تزر به وصيم قصيم في عينيه دعش في اشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافه في عنقه سطع وصيم قصيم اكحل احور ازج اقرا ان تكلم علاه البهاء وان سكت فعلاه الوقار وكان منطقه خرزات نزم ينحدرن الله पता चला कोई अल्फाज का रिदम वो कोई बोलो तो सही क्या रिदम है अब तर्जमा सुनो वो कहती है अपने खामिद को कि अबू बाबा एक शख्स आया था मुझे यूं लगा जैसे चौदवी का चांद कपड़े पहन के जमीन पे उतर आया हो सुबहानल्ला क्या क्या इंतहाई खूबसूरत इंतहाई हसीनो जमील पेट निकलवा नहीं कि बदसूरत हो जाए का इतना खूबसूरत था कि सर से पाँव तक हुसन उसका गुलाम था खूबसूरती उसकी बांधी थी और मैं जिधर से देखती थी मुझे हुसन ही हुसन नजर आता था और जब मैं उसके चेहरे पर देखती तो मेरी आंख नहीं भरती थी मेरा जी चाहता था मैं देखती जाऊँ देखती जाऊं देखती जाऊं मेरा दिल नहीं भरता था कौन वसीम वसीम उसे कहते हैं जिसको देखने से दिल न भरे कसीम जिधर से देखो हस्न हो उसे कहते हैं कसीम उसकी आंखें बड़ी मोटी अहवर अदाज अशकल अंजल अबरज अहदब ये सब मेरे नबी की आंखों की तारीफ है इन पांच छह अल्फाज का एक मतलब है कि अल्लाह ने कायनात में ऐसी हसीन आंख किसी की बनाई नहीं थी हस्नो जमाल आंखों में और पलकें बड़ी लंबी ये औरतें यहाँ वो नकली लगा लेती हैं ना लम्बा लंबा करने के लिए तो मेरे नबी के कुदरती ये बाल लंबे थे हुसन को बढ़ाने के लिए दाढ़ी बड़ी खूबसूरत थी जबान में आवाज़ में जादू था आवाज में कशिश थी आवाज़ में एक ऐसा दिल खिंचता था गर्दन लंबी थी सर से पाँव तक हुसन व जमाल था जब वो बोलते थे नूर छा जाता था जब वो खामोश होते थे वक़ार छा जाता था और सवा अलबत सदर सीना और पेट बराबर सब तस्ब सीधा कद था सीधा कद बिल्कुल सीधा कद अरे बन छाती चौड़ी थी तवील बाजू लंबे थे रहब रहा यह हथेली बड़ी चौड़ी थी चौड़ी हथेली सखावत की निशानी होती है पाँव इतने नरम थे लगता था उस पर तेल लगा हुआ है और पानी उससे यूं नीचे चला जाता था और यमशी तकफियन कंधे झुका के चलते थे यहां चार आदमी सलाम करें तो आदमी यूं हो जाता है और मेरे नबी को फरिश्ते से सलाम कर रहे हैं और आप यूं चलते थे ऐसे ऐसे चलते थे थोड़े से कंधे झुका के चलते थे ऐसे आप कभी नहीं चले जो देखने में ऐसा हसीन हो उससे प्यार क्यों ना किया जाए खानदान ऊंचा हो तो आदमी उसकी कदर और अजमत करता है मेरे नबी का खानदान क्या है मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने आदम की सारी औलाद से अरब को चुना अरब की सारी औलाद से मुजर को चुना मुजर की सारी औलाद से कुरैश को चुना कुरैश की सारी औलाद से हाशम को चुना और हाशम की सारी औलाद से अल्लाह ने मुझे चुना मैं सबसे आला खानदान का हूँ आली नसब हूँ मेरे अल्लाह ने मेरे दस नाम रखे हैं मैं मोहम्मद मैं अहमद मैं माही मैं हाशर मैं आक़िब मैं फातह मैं कासिम मैं ताहा मैं यासीन इनसे पूछो मैं एक मिसाल देता हूँ मोहब्बत होती है ना छोटा बच्चा गोद का मेरा चांद मेरा दुलारा ये इसका बच्चा है बटन जितना ये ये नबील का इतना सा है तो उसको कभी यूं उठाता है कभी यूं उठाता है कभी यूं उठाता है कभी यूं उसको लोरियां देता है मेरा चांद मेरा कोला टिट मेरा चांद मेरा चांद मेरा चांद <laughs> <laughs> तो मेरे रब को अपने हबीब से मोहब्बत है तो सिर्फ मोहम्मद नहीं कहता चूंकि मोहम्मद कहने से मोहब्बत का फ्लो निकलता नहीं तो अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के फ्लो को निकाला मेरा मोहम्मद मेरा अहमद मेरा माही मेरा हाशर मेरा आक़ब मेरा फातह मेरा मेरा कासम मेरा अबुल कासिम मेरा ताहा मेरा यासीन ये अल्लाह ने अपने हबीब के नाम और फिर कुरान में जाओ शाहिद मुबशर नजीर दाल्ला सराज मुनर रऊफ़ रहीम अजीज़ हरीस मुजम्मिल मुदफ़िर यह अल्लाह का अल्लाह ने पूरे कुरान में सारे नबियों का नाम लिया या ईसी या मूसा या याहिया या इब्राहिम या नूह नाम लेकर पुकारा लेकिन अपने हबीब को एक दफ़ा भी या मोहम्मद नहीं कहा बल्कि लकब से बुखार या एहन नबी या एहर रसूल या अयोहलम जम्मिल या अयोहलमोदफर मेरे रब ने अपने हबीब को सारी नस्लों में सबसे आली नस्ल बनाया अगर अपने नबी से प्यार ना करें तो किससे प्यार करें